इतना टेस्टी बना था जब मैंने चिकन को फ्राई करके रखा तो मेरे बेटे को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, उसने तो मसाला 5-6 बोटियां ही खा गई। अब बहुत ही हमें टेस्टी बना। तो वैसे ही भी आप खा सकती है पराठा से, या तो उसका शोरमा बना लीजिए, सब बहुत टेस्टी बनता है उससे। और ऐसे भी बहुत ये जो है हमारा रेशमी है ना चटकारा बोटी, चिकन चटकारा बोटी बहुत यम्मी बना है, बहुत टेस्टी बना था। और सबने इतना मज़ा किया, इतना मज़े से खाया, यकीन मानिए एक चीज़ एक इसमें कढ़ाई में भी नहीं लगा था कि कोई मसाला ज़रा से भी लगा हो तो वो खा लें, इतना यम्मी बना था, टेस्टी बना था। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा प्लीज़। ओके रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन रेशमी चटकारा बोटी है। तो यहाँ पे हमने लिया है 750 ग्राम चिकन है हमारे पास, और ये देखिए हमने कुछ मसाले लिए हैं वो भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने जो मसाले लिए हैं, यहाँ पे लिया हमने 4 से 5 हरी मिर्ची बारीक काटी हुई, 1 मुट्ठी हरी धनिया, 1 टीस्पून हमने लिया छोटे चम्मच से 1 चम्मच काली मिर्च, और 1 चम्मच हमने भर के लिए चाट मसाला, 1 टीस्पून हमने लिया है चिल्ली फ्लेक्स यानी घर की कुटी हुई है, और स्वाद अनुसार नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आप खाते हैं उस हिसाब से डालिएगा। मैं थोड़ा कम डालूँ इसलिए मैंने चिकन को नमक और विनेगर से धुली हूँ ना, तो 10 मिनट उसमें भिगा के रखी थी, इसलिए मैं थोड़ा नमक कम डाल रही हूँ, 1 टीस्पून है। और ये हमारे पास है लेमन जूस, 1 लेमन जूस है, उसका रस निकाल लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। और इसी के साथ में चला जाएगा इसमें 1 बड़ा चम्मच मैदा डालूंगी, और कॉर्नफ्लोर यहाँ पे देखिए हम मैदा डाले हुए 1 बड़ा चम्मच है, और इसी के साथ में डाली हुई मैं 1 इसी चम्मच से भर के कॉर्नफ्लोर। तो आप देख सकती हैं यहाँ पे हम डाले हैं थे तो यहाँ पे हमने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। अब इनको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, देखिए हमने बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर दिया, मिला दिया, और अब इसको 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी ताकि जो है अच्छे से मसाला अब्जॉर्ब हो जाए। और बाकी चीज़ें तो मसाला परफेक्ट है, हमारे जो है क्रीमी चिकन रेशमी चिकन है ना टिक्का बोटी बोलिए या चटकारा बोटी जो भी आपको समझ में आए बोलिए, मैंने तो इसका नाम यही रखा है रेशमी चिकन चटकारा बोटी। तो चलिए मैंने जब इसको बाद में जब इसके लिए ग्रेवी जो बनाएंगे क्रीम की वो क्रीम भी आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या कर लिया है। तो सबसे पहले आप आ जाइए इधर, तो यहाँ पे हमने बघार के लिए लिया है लहसुन है 2 टीस्पून यानी 1 टेबल स्पून भर के, और अदरक भी हमने लिया है 1 टेबल स्पून भर के बारीक कटा हुआ, और 3 से 4 हरी मिर्ची हमने इस तरह से बारीक काट लिया है, और 1/2 टीस्पून हमने लिया है चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून ये हमने लिया है काली मिर्च का पाउडर है, और थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे हम 3 चम्मच डाल रही हूँ ये इस तरह से मेरे पास है 3, तो मैं ये डाल रही हूँ चीज़ डालूँगी ये वाली, ठीक है 3 है। और यहाँ पे अब जाए फ्रेश क्रीम ये 1/2 कप है, और इसके साथ जाएगा यानी 1/2 कप दूध, लेकिन वो भी हमने दूध नहीं लिया है। और यहाँ पे हरी धनिया है, और फिर ये सब आपको बताऊंगी मैं जब बनाने लगूंगी वो कैसे बनाना है। तो जब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि दिल लगे बनाने में, और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। आप बना के भेजिए इस पर फोटो और बताएं, मैं चेक करूँगी कैसे आपने बनाया, आप ही बताइए कि कैसा बना था खा के, ठीक है। तो ये ज़रूर बनाइएगा ये रेशमी चिकन चटकारा बोटी, ज़रूर बनाएंगे, बहुत ही यम्मी बहुत टेस्टी बनता है। तो जब तक के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, फिर हम तैयारी कर लेते हैं ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो गया, हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, कढ़ाई में हमने तेल चढ़ा दिया, तेल हो गया गरम, तो मैं एक एक पीस करके डाल दूंगी। यहाँ पे देखिए हमने डाल दिया, अभी इसको 1 मिनट तक आपको टच नहीं करना है, ज़्यादा है तो आप इस तरह से हिला दीजिएगा, नहीं तो इस पर जो कोटिंग लगी वो छूट जाएगी 1 मिनट के बाद। यहाँ पे देखिए हम इसको पलट रहे हैं, 1 मिनट हो गया है इस तरह से, दूसरे साइड में देखिए तो बिल्कुल ब्राउन कलर हो गया है, सारी इस तरह से पलट देती हूँ मैं।
जो देखे मसाला से हो गया तो उसको हम अब निकाल लेते हैं फ्राई करते हैं। तो इसी तरह में जो है दूसरी बैग भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा कलर आया है। तो यहाँ पे देखिए चिकन हमने सारी फ्राई कर लिया, अब तर चल रहे हैं दूसरी तैयारी करने, वो आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे डाली हूँ मैं देखिए बटर है ये, ओके। तो यहाँ पे जो हमने 2 टेबल स्पून भर के जो है लिया है अदरक और लहसुन वो डाल देंगे। हमको इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ठीक है। ऐसे के साथ चला जाएगी हरी मिर्ची जो हमने बारीक काट के रखी है, ये देखिए इसको पकाना नहीं है, सिर्फ इसको सॉफ्ट किया दीजिए, एकदम कलर नहीं बदलना चाहिए। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये काली मिर्च, नमक और जो है चिली फ्लेक्स, और इसी के साथ चला जाएगा अपना जो है क्रीम, जो हमने 1/2 कप क्रीम लिया है, ये हमारे दूध की दूध ऊपर की है, जो दूध में रहती क्रीम हमने वो निकाल के डाला है, ओके। और इसी के साथ चला जाएगा दूध। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं बिल्कुल थोड़ा सा दूध, यानी 1 कलछा भर के, ये देखिए इस कलछा से हमने 1 कलछा डाल दिया दूध। इसको पका लेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं जो हमने चीज लिए थे, ये देखिए ये चीज डाल देंगे। 3 चीज हमने लिया है, आपके पास जो चीज़ है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। 2 हो गए ना, आप देख रही हैं ना अच्छे से, बिल्कुल आपको इसी तरह। अब इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे ताकि जो है चीज़ मिल जाए, आपके पास जो चीज़ है वो डाल दीजिए 2-3। तो मेरा थोड़ा चिकन ज़्यादा है तो हम 3 डाले हैं, 1/2 किलो अगर आपका चिकन है तो उसमें 2 चीज़ डालिएगा। तो इसको गलने तक पका लेते हैं, फिर चिकन डाल देते हैं अपना। ये बहुत जल्दी झटपट बन जाता है और बहुत टेस्टी भी बनता है, ये रेशमी चिकन चटकारा बोटी। तो चलिए मैं अपना चिकन इसमें डाल देती हूँ। मेरी बेटी को चिकन इतना पसंद आया कि वो ऐसे ही ले जाके खा ली, और ये ऐसे ही भी बहुत टेस्टी बनता है, आप इस तरह से भी आप खा सकती हैं। देखिए मैंने अब इसको गर्म ही गर्म आपको खाना है, इसको अच्छे से हम जो है मिला लेंगे दूसरे अच्छे से चिकन में। अब इसको मैं 1 से 2 मिनट पका लेंगे, थोड़ा अच्छे से हमने इसको चीज में मिला दिया, देखा ना क्रीमी चीजी रेशमी चिकन हमारे बनके रेडी हो गया है। बस 1 मिनट के बाद आपके साथ लाके आती हूँ, खाती हूँ बैठ के। यहाँ पे देखिए 1 से 2 मिनट हो गया है और हमने गैस को जो है बंद कर दिया है, और अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हरी धनिया। वाह क्या टेक्सचर, क्या टेस्ट, क्या स्वाद। आप गर्म गर्म इसे नान से, पराठे से, जिससे भी आप चाहेंगे खाएंगे ना, बहुत टेस्टी बनेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप ऐसे भी खा सकती हैं। तो चलिए मैं सर्व कर लेती हूँ। तो आप इसको सर्व कर लें या इसी में रहने दें, मैं कढ़ाई में ही रहने दे रही हूँ, इसलिए कि ये जो है थोड़ा सा गर्म रहेगा कढ़ाई में रहेगा, तो अगर हम निकाल लेंगे ना सर्विस बॉल में तो वो ठंडा हो जाएगा, ये बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो मैं इसी में रहने देती हूँ। और चलिए यहाँ पे होती है मेरी वीडियो क्लास। मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करें और दुआ में याद रखा करें, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। सब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड फैमिली में। चलिए अल्लाह हाफिज़, फिर आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं।